नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 24 पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको उसके सारे प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे, जिसकी डेट है 12 नवंबर 2020। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है आपकी, हम पढ़ेंगे इसमें कबीर की साखियाँ, जो आपकी पुस्तक का पाठ है। बच्चों, जो आपका विद्यार्थी का नाम है, इसमें आप अपना नाम लिख देंगे, कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। अगर आपके स्कूल में बोला है कि सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, तो अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिख दें, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। आज हम कबीर दास की साखियों को पढ़ेंगे, कबीर दास की साखियाँ को पढ़ेंगे। कबीर दास जी ने, आप जानते हो, कबीर दास ने बहुत दोहे लिखे हैं, और कबीर दास के जो दोहे हैं, वो हमारे जो जीवन होता है उसके आचरण कैसा होना चाहिए, यानी कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन के आदर्श कौन कौन से होने चाहिए, या हमारे जीवन में किन चीज़ों की वैल्यू होनी चाहिए, किन चीज़ों की नहीं, ये सब किसने बताया? कबीर दास जी ने अपनी साखियों में बताया है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, उसके पाठ कबीर की साखियों से आज हम दो साखियाँ, यानी कि दो दोहे समझेंगे। उनके जो दोहे हैं, उनको साखियाँ बोला जाता था, ठीक है बच्चों। चलिए अब थोड़ा सा पहले कबीर दास जी के बारे में जान लेते हैं, फिर पढ़ेंगे इनकी साखी। देखिए, ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ना बच्चों, ये कबीर दास जी हैं, जिन्होंने अपने सर पे मोर का पंख लगा रखा है, ये कबीर दास जी हैं। कबीर दास जी का जन्म हुआ था 1455 में, है ना, अगर ईस्वी में बोलें तो 1398 ईस्वी में। उनका जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। एक विधवा थी ब्राह्मणी, उनसे वो पैदा हुए थे, लेकिन बदनामी के डर से उन्होंने, जो कबीर दास जी हैं, उन्हें त्याग दिया था। तो एक जुलाहा परिवार था, एक जुलाहा दंपत्ति थी, उन्हें ये कबीर दास जी एक तालाब के किनारे मिले थे। उस तालाब का नाम पता क्या था? लहर तारा तालाब था, जहाँ पे ये पड़े हुए मिले। अब जब उन्हें मिले जुलाहे को, तो उन्होंने इनका कबीर दास जी का लालन पोषण किया, मतलब इन्हें पाला। और कबीर दास के माता पिता भी उनको ही कहा गया, उनका नाम था नीमा और नीरू, यानी कि इनके पिता का नाम नीमू और नीमा और मम्मी का नाम नीरू था, ठीक है। कबीर की मृत्यु 120 साल के हो गए थे जब हुई थी, पता है, और उनकी कब हुई थी? 1575 में, अगर ईस्वी की बात करें तो 1518 में, ठीक है। ये मगहर में हुई थी, और कहाँ पे मृत्यु हुई थी इनकी? मगहर में हुई थी, ठीक है। अब आपने जान लिया कबीर दास जी का जीवन कैसा रहा, है ना। उनकी मम्मी ने तो उन्हें त्याग दिया, लेकिन दूसरे लोगों ने उन्हें पाला जो जुलाहे थे, तो उन्हीं को उनका मम्मी पापा माना जाता है, और ये 120 साल तक जिए थे, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं इनकी साखी, यानी कि इनका पहला दोहा। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब इसका मतलब क्या है? इन्होंने बोला है कि हमें जो कोई भी साध, मतलब साधु, जो साधु होते हैं, जो तपस्या करते हैं, उनकी कभी भी हमें जाति और धर्म नहीं पूछना चाहिए कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, बल्कि आपको क्या करना चाहिए, उनसे ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। उनके पास जो इतनी सारी बुद्धि है, जो उन्हें नॉलेज है, उसको पूछो, है ना। जैसे मोल भाव तलवार का करना चाहिए ना, ना उसकी म्यान का। जैसे हमें क्या है, किसी भी तलवार का मोल भाव नहीं करना चाहिए कि कितनी कितने की है, कितने की नहीं है, है ना। हमें मोल भाव किसका करना चाहिए? तलवार का करना चाहिए, ना कि उसके म्यान का। उसका नहीं करना चाहिए जो उसमें, जिसमें वो रखी रहती है कवर में, है ना, उसके कवर की हमें नहीं पूछना चाहिए कि कितने की है ये। हमें पूछना चाहिए मेनली तलवार कितने की है, कैसी है ना। तो ये है आपका पहली साखी। पहली साखी में ये वो बोलना चाह रहे हैं, एक आपको दो लाइन में बता देती हूँ, कि जो साधु मनुष्य होते हैं, उनसे हमें ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए, ना कि उनकी जाति धर्म पूछनी चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला, जैसे कि एक तलवार लेते हैं, तो हम तलवार को देखते हैं कि तलवार का क्या मोल है, उसके कवर को तो नहीं पूछते ना। तो ऐसे ही हमारे जाति धर्म होते हैं, ऐसे हमें जाति धर्म से मतलब नहीं रखना चाहिए, उसकी नॉलेज से रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा जो हमारा साखी है, वो है आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही
एक की एक। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आपको कोई गाली दे देता है तो उसे उलट के नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलते हैं? ये बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई एक गाली मतलब गाली देता है उल्टा तो हो यानी तो उसको आप उलट के मत बोलिए। कबीर नहीं उलटिए, कबीर जी दास जी कहते हैं कि उसको उल्टो मत, उसको दोबारा मत बोलो, क्योंकि अगर तुम बोलोगे तो एक ही अनेक हो जाती है। उसने बोला, तुमने बोला, ये हुआ वो हुआ, तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। वही एक की एक। वो ये कह रहे हैं कि तुम उसको लो ही मत, जो वो गाली दे रहे हैं आपको, आप उसको लो ही मत, है ना। अगर तुम लोगो ही नहीं, अगर कोई चीज़ आपको दे रहा हो और आपने ली नहीं तो क्या होगा, उसके पास ही रह जाएगी ना। तो तुम ऐसा करो, वो जो गाली देता है, कोई तुम्हें उल्टा सीधा बोलता है, बुरी बात कहता है, तो तुम चुप रहो, तुम बोलो मत, बस आप क्या करो, सुन लो बस। क्योंकि अगर तुम बार बार उसको बोलते रहो तो क्या होगा, तुम भी बोलोगे, वो भी बोलेगा, वो भी बोलेगा, तुम भी बोलोगे, तो इससे क्या होगा, लड़ाई बढ़ती चली जाएगी, बहस बढ़ती चली जाएगी। तो इससे बढ़िया तो ये है कि आप चुप हो जाओ और वो उसकी गाली उसके पास ही रह जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी साखी है कबीरदास जी की। मुझे पता है आप लोगों को समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई ना बच्चों तो दोबारा देख लेना वीडियो को, ठीक है। चलिए, अब हमने ये साखी पढ़ ली, अब हमें इनके उत्तर देने हैं प्रश्नों के। तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप ये लिखेंगे, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं से कबीर ये कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कदर करनी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता, कि वो कैसा है बाहर से दिखने में क्या नहीं, जो असली चीज़ होती है उसको देखो। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दो पूछा है, हमें क्यों गाली, हमें कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे, बुरा कहे, तो हमें उसे वापस पलट कर क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि उलटने से गाली अनेक में बदल जाती है। यदि उसकी गाली को आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वो स्वयं ही गाली देने वाले के पास रह जाएगी। ये कह रहे थे कबीरदास जी। ठीक है, तो ये आपके हो गया दूसरे प्रश्न का सही सही उत्तर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न पूछा है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, पता कीजिए और लिखिए। यहाँ पे पूर्ण विराम लगा लीजिए लिखने के बाद। तो बच्चों, कबीरदास के दोहों को पता है साखी क्यों कहा जाता है? क्योंकि साखी का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि अर्थात उन्होंने समाज को जैसा देखा वैसा ही कहा, डायरेक्ट, है ना, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट, जैसा देखा वैसे ही बोला, लाग लपेट कुछ नहीं करी। ठीक है, चलिए ये तो थे हमारे प्रश्न उत्तर, लेकिन अब करनी है एक्टिविटी, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ता है। एक्टिविटी क्या है? पाठ से अलग कबीर के 5 दोहे ढूंढने हैं और उस गतिविधि में अपने माता पिता या किसका साथ ले सकते हो, आप अपने शिक्षकों का साथ ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, इसको आप छोड़ दीजिए ये वाला, इसको लिखिए, तिनका कभू न निंदनीय जो पावन हर तोए, कभू उड़ी आखिन पड़े तो पीर पर निगरी होए। तो एक ये हो गया, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पाचे फिर पछताओगे प्राण जाही जब छूट। तो एक ये हो गया, दो हो गए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो 3 दोहे हो गए आपके। चलिए अब चौथे पे चलते हैं, साई इतना दीजिए जा मैं कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो ये हो गया आपका चौथा दोहा। पांचवा दोहे है बच्चों आपका, अति का भला न बोलना अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना अति की भली न धूप। तो ये आपका हो गया बच्चों पांचवा साखी या पांचवी दोहा। ठीक है, पांचवा दोहा हो गया। अब हो गई है आपकी वर्कशीट। अब आपको क्या करना है, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, और बच्चों अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करा करो, जिससे उन्हें भी हेल्प मिले मेरी इस वीडियो की। और प्यारे बच्चों, एक अपना प्यारा सा कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें, और आप जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।